पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु और प्रभु की शांति। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, आज हम क्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। सांसारिक जीवन से अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें उस शाश्वत राजा के सामने प्रस्तुत होना होगा। आज की इस पूजन विधि काल में, इस अंतिम रविवार में, न्याय का जो दृश्य हमारे सामने उपस्थित है या प्रस्तुत किया गया है, हम देखते हैं कि ख्रिस्त राजा एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है और उनके चारों ओर स्वर्गदूत, महादूत और धन्य लोग उनके आराधना स्तुति कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। और वही ख्रिस्त राजा जिनका पर्व आज हम मना रहे हैं, वह हमारे लिए एक दिन न्याय के दिन हम सबों को एक राजा के तौर पर उसकी प्रजा का वो न्याय करेंगे। और ये न्याय धर्मी और अधर्मियों के दोनों पक्षों को लेकर किया जाएगा। जो धर्मी है उसे एक ओर विभाजित किया जाएगा और जो अधर्मी है उसे बाईं ओर या दूसरी ओर विभाजित किया जाएगा। और जब वे इस दिन न्याय करने बैठेंगे, वह उन्हें अपने कर्मों, अपनी वाणी, अपने व्यवहार के द्वारा उनका न्याय करेंगे या उनके अनुसार उनका न्याय करेंगे। प्रभु ने कहा है, जिन्होंने भूखों को भोजन दिया है, प्यासों को पानी पिलाया है, नंगे लोगों को वस्त्र दिए हैं, या अजनबियों को जो अनजान थे वो अपने घरों में शरण दी है, उनका स्वागत किया है, जो बीमार थे या जो कैदी में जेल में थे उनको मिलने गए हैं, वह उन्हें स्वर्ग राज्य में पुरस्कार प्रदान करेंगे। हमारे सामने दो मुख्य प्रश्न पूछे गए हैं कि जब यीशु राजा हमारे सामने प्रकट होंगे तो हमारा क्या जवाब होगा, और दूसरा है कि मैं और आप जीवन की अंतिम परीक्षा पास करने में क्या हम सफल हो पाएंगे। नबी एसेकियल के इस उदाहरण से ये पता चलता है कि ईश्वर मनुष्य को कितना प्रेम करता है। वह मानव जाति को ले, विशेष रूप से मानव जाति के उत्थान के लिए, पापियों के हृदय के परिवर्तन के लिए दुखियों का सहारा बनकर उनके बीच में जन्म लेते हैं और इस पृथ्वी पर एक मानव रूप में उन्होंने जन्म लेकर अपना जीवन एक गरीबाई में जिया है। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, यह हमारे लिए बड़ी महत्व की बात है और अति उल्लास की बात है कि हम प्रभु जो स्वयं हमारे ख्रिस्ती लोगों का न्याय करता है, जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है, उनकी रक्षा करता है अपने शत्रुओं से और जंगली जानवरों से, वह उन्हें हरे भरे मैदानों में ले चलता है जहाँ पर बहते हुए झरने हैं, वह उनको अच्छी अच्छी जगहों पर ले चलता है, वह उनकी रक्षा हमेशा करता है, और जो घायल हो जाते हैं प्रभु उनको बड़े प्रेम से घाव भरते हैं। प्रभु एक सच्चा चरवाहा होगा क्योंकि वे सभी उनकी भेड़ें हैं। प्रभु हमें किसी बात की कमी नहीं होने देंगे, उनको हमारे लिए जो जगह उन्होंने हमारे लिए तैयार की है उस जगह को ले जाकर, उस जगह पर ले जाकर हम अपने जीवन में जो कमियां है वह तृप्त हो जाएगी। प्रभु हमारा सही मार्ग बनता है, वह हमें सही राह दिखाता है और इस प्रकार से वे हमारी, हम प्रभु की भलाई, प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बनी रहेगी। प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे सेवकों को चुनता है जो अपने भेड़ों का ख्याल रख सकें, और उन्होंने हमारे लिए संत पोप फ्रांसिस हमारे लिए चुने हैं, जो हृदय से बड़े निर्मल, कोमल और प्रेमी हैं। पोप फ्रांसिस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग माने जाते हैं। कैथोलिक लोगों के लिए वे ख्रिस्त के प्रतिनिधि या भले गडेरिए जो ईश्वर के लोगों की अगुवाई करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। दुनिया के राष्ट्र के नेताओं के लिए वे एक बुलंद आवाज़ है जो अत्याचार करने वाले लोगों को या जिन पर दुख, तकलीफ़
हो रहा है उनके प्रति एक अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। इन विभिन्न तरीकों से पोप फ्रांसिस क्रिस्त के प्रतिरूप में अपने कार्य का निर्वाह करते हैं और पोप फ्रांसिस कुछ जैसा कि आप जानते हैं, वे अच्छा फुटबॉलर हैं, वे अच्छे बावर्ची हैं और अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। साथ ही साथ वे साधारण लोगों के बीच में रहकर साधारण वाहनों में, साधारण बसों में यात्रा करते हैं। उनका जीवन बहुत ही साधारण है, वो हमारे लिए बेहतरीन है, हमसे उन ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें समझने के लिए, उन्हें अपना बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज के पाठों में और सुसमाचारों के द्वारा प्रभु हमें न्याय के दिन या अंतिम विचार के दिन के बारे में आग्रह करते हैं। मसीह जो समस्त मानव जाति का उत्थान के लिए इस दुनिया में आए हैं, समस्त राष्ट्रों के राजा, समस्त मनुष्य के न्यायकर्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। मानव जाति दो भागों में विभाजित की गई है, एक तरफ वे लोग जो भ्रातृ प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ वे लोग जो दुखियों का ख्याल रखते हैं। धर्मी और अधर्मी प्रभु के दाहिने और बाएं विराजमान होंगे। आज की इस पूजन विधि में हम देखते हैं कि भारतवर्ष के अनेक राजाओं की कथाएं, उनकी कहानियां, जैसे महाराणा प्रताप, जैसे सम्राट अशोक, टीपू सुल्तान आदि, इनकी गाथाओं में हम ये सुनते हैं और इतिहास में पढ़ते हैं कि उन्होंने जो कार्य किया है वह लोगों की भलाई के लिए, लोगों के उत्थान के लिए वह कार्य किया है और इसीलिए लोग उन्हें याद रखते हैं, उनका स्मरण करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो ख्रिस्त लोग हैं, उनके जीवन में प्रभु क्या मायने रखते हैं? प्रभु मसीह का जो जीवन है वो हम सबों के लिए महत्व कैसे रखता है? प्रभु जो हमारे हृदय में आकर हमने विश्वास में हम सबों को जीतते हैं, हमारे विश्वास में उनको आगे बढ़ाते हैं, वो पापी लोगों को उनका जीवन परिवर्तन करने के लिए उन्हें समय देते हैं, अवसर देते हैं और वह दुखियों का सहारा बनते हैं और इस पृथ्वी पर मानव बनकर उन्होंने हमारे बीच में जन्म लिया है। ये हमारे लिए बड़े उल्लास की, बड़े हर्षोल्लास का समय है। प्रभु स्वयं अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है और वह अच्छे अच्छे चरवाहे है उनके लिए चुनता है, जो उनका ख्याल रखता है, उन्हें हरी भरी मैदानों में ले चलता है, उन्हें बहते हुए झरनों के पास ले चलता है, उन्हें अपने शत्रुओं से, जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करता है और जो घायल हो जाते हैं वह उनको अपने घावों से, अपने प्रेम के घावों से उन्हें भरता है। प्रभु हमें किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने देता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूनानी परंपरा के अनुसार राजा का अभिषेक लोगों के बीच में किया जाता था और जब राजा को लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाता था तो लोग उनकी लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे कार्यों के लिए प्रभु को उनका जीवन समर्पित करते थे और प्रभु से वे प्रार्थना करते थे, प्रभु अपने राजाओं को, उनके राजाओं को वह आशीर्वाद प्रदान करें जिससे वह विजयी बने, जिससे वह शक्तिशाली बने और लोगों को उनकी भलाई और उनका उत्थान कर सकें। आइए हम अपने उस स्वामी को, अपने उस मुक्तिदाता को जो ख्रिस्त राजा है, हमारे हृदय के महान राजा है, उनका आज हम स्मरण करते हैं और उनके मध्यस्थ द्वारा हम प्रार्थना करें कि हम एक दिन स्वर्ग में प्रभु के उस सिंहासन के सामने उपस्थित हो सके, एक योग्य रीति से, जिस प्रकार से स्वर्ग में स्वर्गदूत, महादूत और धन्य स्त्री पुरुष उनके सामने उनकी स्तुति आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं, हम भी उस ग्रुप में, हम भी उस समूह में सम्मिलित हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी धर्मी बनकर प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकें और हमारा जीवन प्रभु को समर्पित कर सके, हमारे जीवन के साथ साथ हमारे परिवार, हमारे प्रशासन को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें, जिससे इस दुनिया में न्याय, शांति और प्रेम हमेशा बना रहे,
ताकि प्रभु की शांति हम सबों को मिलती रहे, उनका आशीर्वाद हम सबों को प्राप्त होता रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।